Good morning, students. This is your English language class for class 4th. So this is the first video of your English language subject. So before starting the chapter, I want to tell you about the language. What is language? Language क्या होती है? Normally आप लोग हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ते हैं. हिंदी लैंग्वेज में जब आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले आता है ना, भाषा क्या होती है, लैंग्वेज होती क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज ना. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है. द सिस्टम ऑफ साउंड एंड राइटिंग, द सिस्टम ऑफ साउंड एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स. ओके, their thoughts and feeling. You can see on the board ki the system of sound and writing that human beings use to express their thoughts, feeling and ideas. जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग, हम इंसान अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने सोच को सामने वाले को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो सभी चीज़ें क्या होती है, भाषा होती है. अब ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम साउंड करके मौखिक रूप से बोल के बता सकते हैं, या तो हम लिख कर बता सकते हैं. ठीक है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा लिखित भाषा, मौखिक भाषा, तो बिल्कुल इसी तरह एक रिटन फॉर्म में होती है, एक वर्बल फॉर्म में होती है. मतलब हम या तो किसी को बोलकर व्यक्त कर सकते हैं या तो लिखकर. तो यही बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ साउंड एंड राइटिंग, जिस तरीके से या तो हम उसे लिख कर बताते हैं या बोल कर बताते हैं. तो लिख कर या बोल कर हम इंसान या हम ह्यूमन बीइंग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले को, वो क्या होती है, लैंग्वेज. तो आप लोगों ने जान लिया लैंग्वेज के बारे में, इस डिफिनेशन को लिख लीजिएगा सब लोग क्लास 4th. राइट डाउन दिस डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इन द फ्रंट पेज ऑफ योर नोटबुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. And this is your English language book, grammar leaf, and this is your content. As you can see, the first chapter is the sentences, or yeah, the sentence. So open your first chapter, the sentence. Okay, sentence. Sentence क्या होते हैं हमारे? सेंटेंस कौन बोलते हैं? वाक्य ना. अब फिर यहां एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? आप सभी ने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में. So, a sentence is a group of word that express a complete thought. ठीक है, सेंटेंस जो हमारा होता है वह शब्दों का समूह होता है जो कि एक कम्प्लीट
निकालता है, कंप्लीट मतलब निकालता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, मींस अगर कोई सेंटेंस मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकलता है वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। और वो सेंटेंस तभी बनेगा जब वो वर्ड मीनिंगफुल हो, जब शब्दों का जो समूह है जब वो एक सेंटेंस बनाता है तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस मीन्स शब्दों का वह समूह जिसका एक मतलब निकलता है, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले, पूरा मतलब निकले, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो राइट डाउन डेफिनेशन एंड यहाँ आपकी बुक में दो टॉपिक है, सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट। अब आप ख्याल लीजिए सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है। सेंटेंस फ्रेगमेंट होता है कि उस वो भी शब्दों का समूह होता है, उसमें भी कई सारे शब्द होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस फ्रेगमेंट में भी होता है, लेकिन उसका मतलब नहीं निकलता, वो एक कोई कंप्लीट थॉट नहीं बताता। अ ग्रुप ऑफ वर्ड यहां लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does not express, ये x है बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, that does not express a complete thought is called sentence fragment। Is it clear to you? शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई उड़ता अर्थ नहीं निकलता, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस फ्रेगमेंट। क्या कहलाता है? सेंटेंस फ्रेगमेंट। ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, यहां पे है आई गो टू स्कूल एवरी डे। बहुत मैसी हो रहा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वेट। चलिए तो अब यहां देखिए आप इसके एग्जांपल्स क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। आई लाइक सीजनल फ्रूट्स वेरी मच। मुझे सीजनल फ्रूट्स बहुत पसंद है, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो इस समय क्या है,
लोगों को आम बहुत पसंद होता है, तो वैसे ही आई लाइक सीजनल फ्रूट्स वेरी मच, मुझे सीजनल फ्रूट्स बहुत पसंद है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों चीजें क्या होती हैं, एक मैनर में होती है, एक तरीके से होती है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस तभी निकलेगा जब उसका फॉर्मेशन सही हो। अब सेंटेंस को फॉर्मेशन में लाने के लिए हमें तीन चीजों का ध्यान देना पड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों चीजें सही फॉर्मेट में होंगी ठीक, तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, वर्ब बाद में हो जाए, या वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आ जाए सब्जेक्ट बाद में हो जाए, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस फ्रेगमेंट बन जाएगा। सेंटेंस फ्रेगमेंट कैसे बन जाएगा, अभी देखिए आप यहाँ पे आई क्या है, आई है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, मतलब द पर्सन हु डू और डज द वर्क, वह व्यक्ति जो काम को कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो अब स्कूल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, मींस आई, आई कर रहे हैं ना स्कूल जाने का काम, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। अब आती है बारी वर्ब की, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया इन द सेंस कि द वर्ब विच इज द वर्क जो कि आप कर रहे हो, द वर्क विच इज डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम हो रहा है। लाइक अभी वर्क के आप जो एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे, जो भी एक्शन हो रहा होता है या डूइंग थिंग्स, जितनी भी करने वाली चीजें होती हैं, वर्क क्या होती है, या तो डूइंग थिंग्स होंगी या एक्शन वर्ड्स होंगी, लाइक गो, सिट, कम, लाफ, ये सब क्या है, हमारे वर्ब्स हैं। मतलब जो भी काम हो रहा होता है वो होता है वर्ब, काम होना। अब यहाँ कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जाना मीन्स गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना, तो जाने का काम हो रहा है ना, तो वर्ब क्या हुआ। अब ऑब्जेक्ट मीन्स आई का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका लक्ष्य क्या होता है ठीक। जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, जैसे आपका उद्देश्य पढ़ना और मेरा पढ़ाना, इसी तरह आई का उद्देश्य क्या है, स्कूल जाना, क्या है स्कूल जाना ठीक। आई का क्या लक्ष्य है कि मुझे स्कूल पहुंचना है, तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों एक साथ हैं एक फॉर्मेशन में, इसका मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए ना, लाइन अप होके लगे हुए हैं, सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसी तरह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक साथ लगे हुए हैं। नेक्स्ट, आई लाइक सीजनल फूड्स वेरी मच, यहां फिर से देखिए आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी है लाइक, वो उसे पसंद करता है, पसंद करना क्या हुआ, काम हुआ ना, मैं अगर कोई चीज पसंद करना हो दैट मींस कि मैं वह कार्य कर रहा हूं। सीजनल फ्रूट्स किसे पसंद कर रहा है, सीजनल फ्रूट्स को, तो यहां पे भी वही प्रोसेस है, पर अगर इसी को हम उल्टा पुल्टा कर दें, यानी कि आई फिर ऑब्जेक्ट टैग लगा दे, स्कूल फिर वर्क लगा दे, गो एवरी डे, तो क्या होगा, अर्थ का निरर्थ हो जाएगा, आई स्कूल गो एवरी डे, यहां पे क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आ गया फिर ऑब्जेक्ट।
बनाना है तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो वर्ड है उसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि नहीं। कंप्लीट सेंस अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो एक दूसरा मेथड है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस सही है या गलत। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ गया आप सभी को? सो चिल्ड्रेन, इन टुडेज़ क्लास वी हैव लर्न अबाउट लैंग्वेज सेंटेंस एंड सेंटेंस फ्रेगमेंट। आज की क्लास में हमने लैंग्वेज सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट के बारे में जाना, उन्हें सीखा, ठीक है? तो आपको अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो कोई बात नहीं, पर अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं हुई है और आपके अंदर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसे क्लियर कर सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लो द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। क्या जानेंगे? काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उसके बाद उनकी एक्सरसाइज करेंगे। सो तब तक के लिए आप अपने टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना बताया गया है उसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड यस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड बाय, हैव अ गुड डे।